तो गाइज फाइनली 15 अगस्त भी जा चुका है और BGMI बहुत सारे लोगों ने कहा था कि 15 अगस्त को आ जाएगा, गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है, मैक्स टू मैक्स 14 दिन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें गई थी यार लोगों ने। 14 दिन तो बीत गए भाई और 15 अगस्त भी फाइनली जो है चला गया है। सो BGMI वापस आएगा नहीं आएगा अभी तक भी जो है इसके ऊपर कुछ क्लियरली नहीं कहा जा सकता। हाँ होप है कि गाइज अभी भी आ जाए वापस, भले 15 अगस्त को नहीं आया थोड़ा टाइम ले ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वापस आ जाए। और वापस आए तो लाइक ऐसा ना हो कि यार फिर से अगले कुछ महीनों में बैन हो जाए या कुछ ऐसी दिक्कत, मतलब ये बंदा भाई ये जो डैमेज देके गया था मेरे को, इसके टीममेट को भरा था मैंने, अब फिलहाल इसको भर दिया। और अब जो है आजू बाजू काफ़ी सारे बंदे, एक बंदा तो मेरे पे नेड फेंक रहा है, अच्छा सही टाइम पे नीचे कूद गया मैं और उसका बम भी जो है ज़्यादा लाइक एक्यूरेट नहीं था, अदरवाइज तो एक ही शॉट में मारा जाता मैं। अब इसका टीममेट है सामने वाली बिल्डिंग में और वो कहीं ना कहीं छटपटा रहा है मेरे को मारने के लिए, वो सेम फीलिंग मेरे अंदर भी आ रही है। ये बंदा मेरे लिए बिल्कुल रेडी होके बैठा हुआ था वहाँ पे कि जैसे ये पीक लेगा मैं मार दूंगा, बट मैंने डैमेज ही दे पाया उसको मैं ना ही वो मेरे को मार पाया। अब वो बंदा पीछे की तरफ चला गया क्योंकि इतना तो था कि भाई डैमेज जितना उसने मेरे को दिया एक्चुअली उससे ज़्यादा डैमेज मैंने उसको दे दिया था। तो वो बंदा जो है पीछे से डबल ट्रिपल बिल्डिंग कूद के पीछे चला जाता है, तो मैं समझ गया यार उसको लगा कि शायद उसने मेरे को इतना डैमेज नहीं दिया। फिलहाल यहाँ से बच के निकलना भी अपने आप में एक लाइक दिक्कत है यार, लाइक आप कितने ही बंदों को मारोगे उसके बाद वही बंदे जो आके सेम उसी बिल्डिंग पे आप आके कूद जाते हैं। हालांकि टाइम लगता है, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है जब आप सेकंड टाइम रिवाइव होके आते हो तो जिस प्लेन में आप बैठ के आते हो वो इतना स्लो मूव करता है कि एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचाने के लिए एटलीस्ट 2-3 मिनट तक भी ले लेता है यार। लाइक कितना गंदा ग्लिच टाइप बोल सकते हो आप इसको, लाइक बाकी प्लेन बहुत नॉर्मल मूव करते हैं कि स्पीड से मूव करते हैं, बट यार इस चीज़ को कहीं ना कहीं हमको जो है ऐसा फीडबैक देना ही पड़ेगा लाइक प्ले स्टोर पे और जब भी आप खेलते हो कि यार ये प्लेन की स्पीड तेज करो यार, लाइक रिवाइव नहीं मिल पाता है जल्दी से। फिलहाल एक बंदा ऊपर से नेड मारा था मेरे को, जंप एंड पंच करके उसी के पीछे आ गए और उसी को भर दिया। तो ये एक चीज़ है गाइस ठीक है जो कि हमको करना है, लाइक फीडबैक में आप अब फिलहाल यहाँ पे एक बंदा था जिसको मैं मारने तो आया था लेकिन ये बंदा शायद मूव करके आगे के घरों में चला गया है क्योंकि वहीं से जो है फायरिंग आ रही है। अब मैं यहाँ पे आते ही फंस जाता हूँ क्योंकि सामने वाली बिल्डिंग में मैं मारने जब जाता हूँ एक बंदे को तो वो निकलते दो और मैं एक की तैयारी करके गया था, वहाँ दो थे तो मैं पीछे आ जाता हूँ और उसके बाद मैं खुद यहाँ पे जो है वेट करता हूँ उनके अटैक मेरे ऊपर करने का, बट वो लोग भी तैयारी में थे, वो दो बंदे और बुला लेते हैं और चार हो जाते हैं। अब जब वो चार हो गए तो यहाँ फिर से बाजू से एक और टीम आती है और वो आपस में भी लड़ने लग जाते हैं, मैं कंफ्यूज कि क्या करूँ। अगर तो मैं उनके बीच में चला जाता हूँ जो कि मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग और दिक्कत वाला होने वाला है, तो मैं वेट करता हूँ कि कब वो अटैक करें। और कब मैं एक एक करके मारूँ इनको। फिलहाल इन दोनों को मारने के बाद गाइज इनका एक बंदा अगेन, क्योंकि मैंने कहा था ये चार बंदे हैं और आजू बाजू ही हैं, इसको मारते ही ना क्योंकि इतनी देर में तो इनके बाकी के बंदे जो मारे थे मैंने वो वापस जो है जिंदा होकर उसी जगह पे आ जाते हैं। अब ये वही टीम है नहीं है पता नहीं क्या सीन है, लेकिन बंदे तो हैं। अब इनका आखिरी बंदा शायद जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि दो मैं अभी निपटा चुका हूँ तो एक बंदा शायद इनका बचना चाहिए, तो उसको मैं मारने के लिए जाता हूँ। वो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, उसको पड़ी कहीं से तो मैं उसका पीछा करता हूँ ठीक है उसको मारने के लिए, लेकिन जैसे वो बंदा ऊपर जाता है और उससे पहले कि मैं उस बंदे के ऊपर रश करता मौली फेंक दी उसने, मैं मौली में आ जाता हूँ। और एक तो मेरे को समझ नहीं आया यार मौली कहाँ कहाँ तक फैल जाती है, समझ नहीं आता। बाकी जब तक मैंने हील किया सो इतना टाइम काफ़ी था उस बंदे के लिए भी हील करने के लिए, उसने भी हील कर लिया। और इसके बाद जो है जब मैं वापस उसके ऊपर पुश करने जाता हूँ
तो वो बंदा कहीं बिजी हो गया था सामने किसी और को मारने के लिए, बट गलती से मैं नीचे कूद गया यार। और पोचिंगी में थर्ड पार्टी बहुत होती है गाइस, बहुत होती है लिटरली, यार दिमाग ख़राब हो जाता है। 11 किल वहीं पे हो चुके थे मेरे। सो यार इस चीज़ में थोड़ी दिक्कत होती है यार ऐसे ही हो ड्रॉप पे उतरने में। एक ट्राई और करते हैं गाइस, यहाँ पे उतरे पहले से भी ज़्यादा भीड़। ये दोनों लिटरली मैं क्या कहूँ यार, बुरा तो लग रहा है इन दोनों के लिए, मस्त लड़ रहे थे, अच्छा नहीं किया यार मैंने, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है, देखो ज़रा इनका एक बंदा कमरे के अंदर था, मुझे नहीं पता। और इनका भी सेम सीन हुआ है, ये भी फाइट कर रहे थे अनजाने में, मैंने इनके ऊपर थर्ड पार्टी कर दी, जब तक मैं आया तब तक इनकी जो है फाइट भी ख़त्म हो चुकी थी, तो ये रैप कर रहे थे अपने आप को। देन लूटने के बाद एक और दिखता है मेरे को यहाँ पे, और इसी दौरान पैराशूट से भी एक बंदा उतरते हुए दिखा मेरे को, तो सड़क के थोड़ा उस पार था, तो अभी उस बंदे की तरफ भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पे और भी बंदे हैं गाइस, बाल बाल बच गया ये बंदा। तो ये बंदे को जिसको मैंने डैमेज दिया था आता है अंदर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लो होने के कारण मैं इसको मार ही देता हूँ। हालांकि इस बंदे ने मेरे को लो कर दिया था, बट इस बंदे के पास से मेरे को ये मिलता है, अब इसको जो भी बोलो आप, लेकिन बहुत कमाल की चीज़ है। अब इसका टीममेट आता है एंड पूरी टीम गई इनकी, बट इनको रैम मिल जाएगा गाइस, बिकॉज कि इनके पास वो बटरफ्लाई होगी तो ये वापस रैप हो जाएंगे। अब ये इस चीज़ देखो जरा गाइस, कैंपिंग की हद होती है यार, ये बंदे कैंप कर रहे थे आउटसाइड। अब मैंने इस बंदे को इतना लिट कर दिया, बट वो बंदा जो अभी भी जिंदा है। अब यहाँ पे गाइस सरप्राइज मिलता है मेरे को, ये बंदा भले कैंप कर रहा था, लेकिन जब मैं इस बंदे के ऊपर पुश करने गया तो देखना क्या सीन होता है यहाँ पे। ये होते हैं दो बंदे और मेरे को कंफ्यूज कर गई थी एक चीज़, क्योंकि इनमें से एक बंदा हील कर रहा था जिसको मैंने हेड दिया था, और दूसरा बंदा जो कि बिल्कुल फुटस्टेप नहीं दिए वेट कर रहा था वहाँ पे।